जी एमसीयू 15-49-13 डेड हालत में गुड्स ट्रेन के साथ कपल हुआ खड़ा है सनावा स्टेशन की मेन लाइन पर, और इसका जो ओरिजिनल इंजन है 5209 वो कोटा दू गया है 127 आपको लीड करने के लिए, क्योंकि 127 की पावर जो है कोटा दू और सनावा के दरमियान फेल हो गई है। तो ये डेड इंजन अब सनावा स्टेशन की मेन लाइन पर ठहरा है गुड्स ट्रेन के साथ, और ये इतना काबिल नहीं है कि इस ट्रेन को अकेला खींच सके, तो इसी वजह से इसको डेड ही रहने दिया है। वरना स्टार्ट करके कोई और पावर होती जैसे 47 वाली या कोई 52 वाली पावर ऐसे ठहरी होती तो उसको स्टार्ट करके ट्रेन को मूव कर दिया जाता, लेकिन ये जो इंजन है ये बिल्कुल लूज़ है, यानी 500-600 टन का लोड खींच सकता है लेकिन ट्रेन का लोड जो है 1000 टन है, तो इसकी तो मोटरें भी जल जाएंगी अगर इसके साथ इसको लगा दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। ये ट्रेन लेकर आएगा मुश्किल है, इसने तो उसी वक्त फेल हो जाना है, तो इसी वजह से रिलीफ इंजन के इंतज़ार में अब ये ठहरा है बेचारा सनावा स्टेशन पे। जब इंजन स्टार्ट होता है उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, लेकिन जब बंद हो तो पता ही नहीं चलता कि ट्रेन ठहरी है या नहीं ठहरी। अब ये सब आपके सामने है, बिल्कुल खामोशी है, हालांकि मैं लोकोमोटिव के साथ ठहरा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टाइम हो गया सुबह के 6:50, 128 डाउन को कैप्चर करने के लिए अभी मैं सनावा लेवल क्रॉसिंग पे आ गया हूँ, और ट्रेन अभी कोटा दू से चली हुई है लेकिन लाइट्स अभी तक विजिबल नहीं है गाड़ी की, मेरे ख्याल में 45 मिनट के बाद बाद चली होगी, तो 7 बजे तक सनावा पहुँचेगी, राइट टाइम ही डिपार्चर होगा इसका सनावा से। तो कल वैसे 129 आपके साथ लोकोमोटिव गया था HP 28078, ठीक है, तो जो लोकोमोटिव वाली समरी आती है वो कल आई नहीं है, इसी वजह से रात मुझे 130 राउंड के लोकोमोटिव का पता भी नहीं था। रात वैसे 130 राउंड के साथ रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव गया है काफ़ी अर्से, जिसका मैं बोल रहा था कि रिफर्बिश्ड हुआ है लेकिन इधर नहीं आया, यानी HP 28080 रात 8060 गया है 130 राउंड के साथ कुंदिया से मुल्तान के लिए, और उसकी वीडियो मैंने कैप्चर की है, आज मेरे चैनल पर अपलोड होगी, बहुत ही स्वीटेस्ट विसल था 8060 का।
और बहुत ही लाउडली विसल। तो 80-60 को तो डिस्पैच हुआ है, तो उसको ट्रिप मिल गया इधर का कुंदिया से मुल्तान का। अब दो लोकोमोटिव जो रहते हैं रिफर्बिश जो कर होकर आए थे, लेकिन अभी तक उनको ट्रिप नहीं मिला, वो है HBU 2078 और HBU 2078। ठीक है, वो और गाड़ियों के साथ तो वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उनको मुल्तान से कुंदिया का ट्रिप नहीं मिला मियार एक्सप्रेस या थाल एक्सप्रेस साथ। अब उन दो लोकोमोटिव का इंतज़ार है कि वो कब आते हैं और अपना दीदार करवाते हैं, हम उसकी जो ना रिफर्बिश्ड वाली शाइनिंग देखेंगे। तो बता रहा था आपको 128 डाउन के लोकोमोटिव के बारे में, तो 128 डाउन के साथ लोकोमोटिव एक्सपेक्टेड अब 70-78 होगा, कंफर्म नहीं है क्योंकि लिंक आजकल चेंज कर रहे हैं ना। तो वैसे 78 अंदाजे के मुताबिक, अब होगा कौन सा ये फिर जब ट्रेन आएगी तो फिर उस वक्त देखेंगे। लिंक के मुताबिक बारी 78 की बनती है। तो मैंने लास्ट टाइम कैब राइड की है 79 की 2-4 दिन पहले, उससे पहले भी लास्ट टाइम 79 की ही की थी। तो मुझे एक कैब राइड याद है जो मैंने HBU 2041 की थी तकरीबन आज से 2-2.5 साल पहले। तो 6 नाच थे इंजन के 41 के, और 6 नाच पर मुल्तान से शेरशाह तक इंजन ने स्पीड पकड़ी थी 104। ठीक है, 127 अप मेयर एक्सप्रेस थी, जिससे हम जो ना घर आ रहे थे, यानी कि अपने घर आ रहे थे मुल्तान से सनावा। ड्राइवर वाकिफ थे, तो 8041 उस वक्त रिफर्बिश्ड हुआ करता था, बहुत ही स्वीट टेस्ट विसल था 8041 का। और 8041 इंजन जो है ये तकरीबन ऐसा समझ लें कि 6 से 7 मंथ परमानेंट लिंक पर चलता रहा है 128 और 129 के साथ। तो 104 की स्पीड तक इंजन गया था। मैंने तो काफ़ी सारी कैब राइड की हुई हैं, अगर मैं बताने लग जाऊँ तो बस फिर वीडियो भी 20-30 मिनट से ऊपर हो जाएगी। तो आजकल इतनी जो है ना कैब राइड नहीं कर रहे, ट्रिप्स नहीं लगा रहे इकनॉमी की वजह से। अभी आज भी 80-60 जो है उसकी वीडियो तो स्टेशन पे बनानी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी अच्छे के बाद आ रहा है रिफर्बिश लोकोमोटिव है, लेकिन स्टेशन पे इस वजह से नहीं बना रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फाटक से ही फिर इसको जो है ना कैप्चर करेंगे। तो अभी 128 डाउन की लाइट्स भी विजिबल होना स्टार्ट हो गई हैं, छोटी छोटी लाइट्स, कोशिश करता हूँ कि आपको नज़र आ जाएँ, लेकिन नहीं आएगी, मुश्किल है, मुझे भी हल्की हल्की नज़र आ रही है। तो 128 डाउन कैप्चर करेंगे 55/5 किलोमीटर नंबर से। तो ये है सनावा स्टेशन के अपसाइड, ठीक है, सिंगल लाइन है ना इधर, ब्रांच लाइन पे ये चनाब वेस्ट बैंक से लेकर रावलपिंडी तक लाइन जो है वो सिंगल है। ठीक है, यानी डबल लाइन तो इधर नहीं है ना, डबल लाइन की इधर ज़रूरत भी नहीं है मेरे अंदाज़े के मुताबिक। तो डबल लाइन की उधर ज़रूरत होती है जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हों, जैसे अब मेन लाइन पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अप डाउन की गाड़ियाँ तकरीबन मेरे ख्याल में तो एक्सप्रेस ट्रेनें ही 30-35 हो जाती हैं मेन लाइन पर। तो ये रोड़ी साइड पर उधर तो डबल लाइन जो है वो हो तो जचती है, लेकिन इधर डबल लाइन बनाने का फ़ायदा क्या मिलेगा, एक गाड़ी आती है, कोई इतना क्रॉसिंग भी नहीं होती, ब्रांच लाइन पर थाल एक्सप्रेस मियार एक्सप्रेस ही चलती हैं। तो हो सकता है कि कभी ये प्रोजेक्ट भी बनाया जाए कि चनाब वेस्ट बैंक यानी जो ML2 का पहला स्टेशन है उधर से लेकर कुंदिया जंक्शन तक या रावलपिंडी तक ML2 पर डबल लाइन बिछाई जाए, लेकिन ये जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक तो अगले 10 साल तक ये काम नहीं होने वाला, आगे हो जाए तो पता नहीं है कि इधर डबल लाइन बिछाई जाए। खैर बहुत बातें होगी रेलवे के लिहाज से, अभी फिर 128 डाउन देखते हैं HBU 2080 जो भी आगे होगा फिर उसके साथ। 128 डाउन अब HBU 2080 लोकोमोटिव के साथ सनावा स्टेशन पे पहुंची हुई है, तो इसकी वीडियो आज कैप्चर कर रहा हूं मैं 55/5 किलोमीटर नंबर से। तो लोकोमोटिव नंबर देखेंगे कि कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि 8078 होगा जी, आप कंफर्म हो गए 110% कि 8078 ही है विसल से, 8078 का विसल मैं पहचान लेता हूँ, विसल के मुताबिक 8078 ही है लोकोमोटिव। तो किलोमीटर 55/5 तक मैं पहुँच जाऊँ, फिर ट्रेन का डिपार्चर हो तो मज़ा है, ताकि वीडियो जो है वो थोड़ा साइड से मैं अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकूँ। आज ड्राइवर साइड से इसकी वीडियो बनाएंगे, वैसे सूरज तो आएगा इस साइड से, रोशनी सूरज की, ये रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी
गुजारा करें। लोकेशन थोड़ी चेंज करनी पड़ती है ना डेली, फिर आप भी बोर हो जाते होंगे डेली सेम लोकेशन से वीडियो आप बनाते हो, इसी वजह से लोकेशन भी थोड़ी चेंज हो जाएगी ना। अस्सी अठहत्तर है जो कि धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ता, बहुत कम धुआं छोड़ता है, बहुत कम। तो ट्रैक के साथ में नहीं ठहरूंगा, थोड़ा साइड से होकर ठहरूंगा, उधर से वीडियो बनाऊंगा। मेरा आज मेरा मूड है इसी जगह से वीडियो बनाने का। ये इंजन धुआं नहीं छोड़ता 6 नाच पर भी ज़्यादा, नहीं जिस तरह और लोकोमोटिव छोड़ते हैं। अठहत्तर के साथ 128 डाउन तकरीबन 40 की स्पीड से पास हुई है।